राज्यपाल हमारे संवैधानिक अभिभावक हैं और महामहिम का पद बहुत गरिमामय पद होता है, गंभीर पद होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता की आशा और आकांक्षा के प्रतीक हैं और ये सरकार जो है जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये राज्य समृद्ध और आगे बढ़ रहा है ये राज्य। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये आप जैसे प्रेस प्रतिनिधि लोग इसकी अलग अलग विवेचना करते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि सरकार पूर्णतः संविधान सम्मत है और संविधान की मर्यादा मान्यताओं को अक्षुण रखते हुए उसके साथ कदम से कदम चलते हुए, यदि ऐसा नहीं होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अपमानित करने के लिए, झारखंड की जनता को अपमानित करने के लिए ईडी ने मुख्यमंत्री जी को बुलाया, बैठा लिया ये बताने के लिए कि देखो हम सर्वोच्च हैं। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम तो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, यदि आप इसको अपने गुरूर और घमंड मानते हैं भाजपा की सरकार, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो गरीब के बेटे हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, यदि आप हमको बेइज्जत करके यदि आपको शान और सम्मान मिल रहा है तो बेशक आप उसको उसमें गुनगाइए, लेकिन हम तो संविधान सम्मत काम करेंगे, संविधान में रह के काम करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।